हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल होरिजन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग चैप्टर का पार्ट 5 देखेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, जैसे कैपिटल बजटिंग कह लीजिए या तो फिर कंपनी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है कुछ प्रोजेक्ट में, तो उस प्रोजेक्ट में कुछ तो कुछ रिस्क रहता है। उस रिस्क को इवैल्यूएट करने में, उस रिस्क को एनालाइज करने में 7 टेक्निक्स आपको इस चैप्टर में है दोस्तों। पिछले 3 वीडियो में हमने 3 टेक्निक्स खत्म कर दी है और आज के इस वीडियो में अपना फोर्थ टेक्निक शुरुआत कर रहे हैं। फोर्थ टेक्निक का नाम है दोस्तों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच। यह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच एक फोर्थ टेक्निक है हमारी रिस्क एनालिसिस की दोस्तों। सो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस का पहले आज के इस वीडियो में पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम एक प्रॉब्लम का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद हम आंसर्स की तरफ आएंगे, आंसर्स करेंगे और लास्ट में आपको उसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, आ जाइए हम पहले मीनिंग कवर कर लेते हैं दोस्तों। जैसे टॉपिक क्या कह रहा है हमारा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच। प्रोबेबिलिटी हम किसे कहते हैं दोस्तों, प्रोबेबिलिटी यानी कुछ संभावना, यानी कुछ मिलने की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं दोस्तों। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। अब जैसे कंपनी कहीं पे इन्वेस्ट करती है तो कंपनी कुछ रिटर्न भी मिलेगा, उसे प्रोजेक्ट में कंपनी ने इन्वेस्ट किया है तो उसे कुछ रिटर्न भी मिलेगा। उस रिटर्न में से संभावना है कि इतना हमें कंपलसरी, इतना रिटर्न हमें कंपलसरी मिलेगा, उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी दोस्तों। एक एग्जांपल से समझाता हूं, कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्ट किया था, सो इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी कुछ रिटर्न मिलेगा। अब कंपनी को फॉर एग्जांपल, कंपनी ने एस्टिमेशन किया कि मुझे 1,00,000 रुपए रिटर्न मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी यानी 1,00,000 में से कंपनी को कितना संभावना है कि वो 1,00,000 रुपए में से कंपलसरी मिलेगा। संभावना यानी, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 80% कंपनी को लगता है कि 80% हमें मिल जाएंगे, क्या मैं इस 80% को 0.80 बोल के भी लिख सकता हूं? जीरो, हाँ लिख सकता हूं। 80 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.80 आएगा। सो 1,00,000 में से 0.8 यानी 80% संभावना है कि मुझे इतना प्रॉफिट मुझे मिलेगा, सो इतना रिटर्न मिलेगा। सो 1,00,000 का इंटू 0.80 कर लीजिए, 1,00,000 इंटू 0.0 कितना आएगा, 80,000, यानी 80,000 संभावना है कि मुझे इतना तो इतना रिटर्न मिलेगा बोलते। सो प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना कि मुझे इतना तो इतना कंपलसरी रिटर्न मिलेगा दोस्तों। ये हो गया हमारा मीनिंग दोस्तों। अब सर, इसके प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं? प्रॉब्लम्स करने का बहुत इजी है दोस्तों। आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, आप कितना रुपए इन्वेस्ट करेंगे वो अमाउंट दिया जाता है और साथ ही साथ कितना अमाउंट आपको रिटर्न आ रहा है वो सारे कैश इनफ्लोज दिए जाते हैं और प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज दिया जाता है। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एस्टिमेशन मनी मिलेगा, उसके बाद आपको वो पीवी फैक्टर दिया जाता है, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कितना लगा, पीवी फैक्टर निकाला जाता है। पीवी फैक्टर आपके क्वेश्चन में दिया जाता है, नहीं भी दिया जाए तो आपको कैसे करना, मैंने अपने पिछले वीडियोस में समझा दिया है। पीवी फैक्टर आपके क्वेश्चन में दिया जाता है, उस एस्टिमेशन अमाउंट से पीवी फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू के टोटल से जब माइनस इन्वेस्टमेंट अमाउंट करेंगे तो आपको आपका अमाउंट प्रोबेबिलिटी का मिल जाता है दोस्तों। यहां पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में यह समझा रहा हूं, जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। सो चलिए पहले क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम आंसर की तरफ लौटते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सर्टन विच प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स। सो दोस्तों, आपके सामने नीचे 2 ईयर का डाटा दिया गया है। 2 ईयर में आपके क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 ईयर का कैलकुलेट करो प्रोबेबिलिटी एनालिसिस लगा के, और कौन सा प्रोजेक्ट एक कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए वो आपको बताना है दोस्तों। द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोजेक्ट इज ₹1,60,000, और दोनों जो प्रोजेक्ट आपके सामने है दोनों का कॉस्ट आपको 1,60,000 ही पड़ेगा। सो दोस्तों, नीचे आपको दोनों प्रोजेक्ट का डाटा दिया गया है, ईयर है, 4 ईयर का डाटा है, प्रोजेक्ट एक एक कैश इनफ्लोज दिए गए हैं, प्रोबेबिलिटी के परसेंटेज दिए गए हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट बी के कैश इनफ्लोज दिए गए और प्रोजेक्ट बी के भी प्रोबेबिलिटी के अमाउंट्स आपको नीचे दिए गए हैं दोस्तों। ये हो गया आपका सारा डाटा दोस्तों। अब पेज टर्न कर लेते हैं, पेज टर्न कर लीजिए। अज्यूमिंग डेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%, सो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 8% है, कहते हैं पीवी फैक्टर आपका 8% का निकालना है। उसके बाद देखिए, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 8% इज एज फॉलोस। जो आपके प्रेजेंट वैल्यू यानी पीवी फैक्टर आपका 8% का नीचे दिया गया है, पीवी फैक्टर 8% के दिए गए नीचे 1, 2, 3, 4 ईयर का भी दिया गया है। ये सारा डाटा आपको यूज करके दोस्तों, आपको प्रोबेबिलिटी एनालिसिस का यूज करते हुए आपको ये ओपिनियन देना है कि कौन सा प्रोजेक्ट कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए या तो फिर नहीं। चलिए दोस्तों, हमारे आंसर की तरफ हम
तो दोस्तों जैसे हमें दो प्रोजेक्ट आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं, दो प्रोजेक्ट के भी आपको आंसर करके ओपिनियन देना है दोस्तों। चलिए पहले प्रोजेक्ट ए का कर लेते हैं, प्रोजेक्ट ए का जब हम फिनिश करेंगे उसके बाद प्रोजेक्ट बी की तरफ चलेंगे दोस्तों। दोनों प्रोजेक्ट्स का फॉर्मेट सेम ही रहेगा, पहले ईयर्स आएंगे, उसके बाद कैश इनफ्लो जो रिटर्न आपको मिला था वो कैश इनफ्लो इधर आएंगे, प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज नेक्स्ट कॉलम में आएगा, ये एस्टिमेशन मनी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, सो ये करेंगे हम। पीवी फैक्टर जो आपके 8% का पीवी फैक्टर आपके क्वेश्चन में दिया गया था वो नेक्स्ट कॉलम में आएगा और आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये आपका हो गया दोस्तों, ये आपका फॉर्मेट। अब जैसे दोस्तों प्रोजेक्ट ए की तरफ आ जाइए, प्रोजेक्ट ए हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रोजेक्ट ए दोस्तों, प्रोजेक्ट ए के जो भी अमाउंट्स क्वेश्चन में दिए गए थे वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, एक बार कंफर्म करने के लिए हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कैश इनफ्लो के अमाउंट शुरू हो रहे हैं 90,000, 1,20,000, 2,20,000 एंड 1,85,000, वही सारे अमाउंट्स मैंने यहां पर कैश इनफ्लो में प्रोजेक्ट ए का लिख लिया है दोस्तों। उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में देखिए, प्रोबेबिलिटी का 0.2, 0.3, 0.3 एंड 0.2 थे, सो प्रोबेबिलिटी के सारे अमाउंट्स मैंने प्रोबेबिलिटी अमाउंट में लिख दिया दोस्तों। उसके बाद पी फैक्टर दोस्तों, 8% का जो पी फैक्टर है वो दोनों प्रोजेक्ट ए को प्रोजेक्ट बी को दोनों के लिए सेम रहेगा। सो पीवी फैक्टर क्वेश्चन में देखिए, 0.926, 0.857, 0.794, 0.735 जो पीवी फैक्टर थे वो सारे मैंने यहां पर जो भी क्वेश्चन में थे वो मैंने यहां पर एज इट इज कॉपी कर लिए दोस्तों। ये हो गया हमारा सारा क्वेश्चन प्रोजेक्ट ए का दोस्तों। अब चलिए फर्स्ट जो हमें करना है वो कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट हमें क्या निकालना है, फर्स्ट हमें एस्टिमेटेड मनी वैल्यू निकालना है दोस्तों। एस्टिमेटेड मनी वैल्यू कैसे निकलेगा, जब आप कैश इनफ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी करेंगे तो एस्टिमेशन वैल्यू मिलेगा दोस्तों। सो चलिए फर्स्ट ईयर का कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर का है 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा दोस्तों 18,000। उसके बाद सेकेंड ईयर का 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा दोस्तों 36,000। उसके बाद थर्ड ईयर का 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 करेंगे तो आपका आंसर 66,000 मिलेगा दोस्तों। उसके बाद फोर्थ ईयर का 1,85,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा दोस्तों 37,000। ये हमने कैसे निकाल लिया, ये हमने एस्टिमेशन में नहीं निकाल लिया दोस्तों, कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी कर लेके। अब हमें ये अमाउंट तो मिल गया, एस्टिमेशन मनी मिल गया, अब क्या करना दोस्तों, ये जो एस्टिमेशन मनी आपने फाइंड आउट किया है उसको मल्टीप्लाई करना आपके पीवी फैक्टर से। पीवी फैक्टर जैसे मैंने बताया था 8% का पीवी फैक्टर दिया गया है, ये 8% का पीवी फैक्टर आपके क्वेश्चन में दिया गया वो सेम मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया दोस्तों, क्वेश्चन का ही कॉपी कर लिया। ये जो आपने अमाउंट निकाला उस अमाउंट से पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी एस्टिमेटेड मनी मल्टीप्लाइड बाय पीवी फैक्टर कर लीजिए। चलिए दोस्तों कर लेते हैं। फर्स्ट का है 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.926 करेंगे 16,668 आपका आंसर आएगा दोस्तों। उसके बाद सेकेंड ईयर का 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.857 करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 30,852 आपका आंसर मिलेगा दोस्तों। उसके बाद थर्ड ईयर का 66,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.794 करेंगे तो आपका आंसर 52,404 आपका आंसर मिलेगा दोस्तों। उसके बाद फोर्थ ईयर का 37,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.735 करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों 27,195 आपका आंसर मिलेगा दोस्तों। ये प्रेजेंट वैल्यू हमारे मिल गया दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू का इतना अमाउंट्स आ गया। अब क्या करना दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप इन प्रेजेंट वैल्यू को सबको टोटल कर लेना दोस्तों। ये जो चारों अमाउंट है 16,668 से लेके ये जो चारों अमाउंट्स दिख रहे हैं आपको चार ईयर के, वो जब आप प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा दोस्तों 1,27,119। सो दोस्तों ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू। यहां तक ही हमारा आंसर समाप्त नहीं होता दोस्तों, इसमें से आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो आपको माइनस करना है। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ए का है 1,60,000। सो 1,60,000 माइनस कर लीजिए, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है दोस्तों, 1,60,000 है, 1,60,000 है। अब जरा गौर से कैलकुलेशन देख लीजिए दोस्तों, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा 1,27,119 में से 1,60,000 निकाल लीजिए तो आपका आंसर माइनस में आ रहा है दोस्तों, -32,881 आपका आंसर आ रहा है दोस्तों। ये हमारा आंसर आ गया प्रोजेक्ट ए का, प्रोजेक्ट ए का हमारा आंसर माइनस में आ रहा है दोस्तों, माइनस
32,881। यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोस्तों, प्रोजेक्ट बी का करेक्शन हम कर लेंगे, 32,881 हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब तक हमने प्रोजेक्ट ए खत्म कर दिया, अब आ जाइए हमारे प्रोजेक्ट बी के तरफ दोस्तों। तो दोस्तों प्रोजेक्ट बी का भी सेम ही आएगा, सेम फॉर्मेट, यहाँ भी आपको एस्टिमेटेड मनी और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है दोस्तों। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर आपके कैश इनफ्लोस और प्रोबेबिलिटी चेंज होंगे। सो दोस्तों कैश इनफ्लो के अमाउंट्स आपके क्वेश्चन में दिख रहे होंगे, फर्स्ट ईयर का है 1,75,000, 2,25,000, 90,000 एंड 1,50,000, वो सारे अमाउंट्स मैंने यहाँ पर पुट कर लिए है दोस्तों। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की तरफ आ जाइए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पे दिख रहा होगा, 0.5, 0.4, 0.4 एंड 0.1, ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिए दोस्तों। पीवी फैक्टर दोनों का सेम ही होगा, पीवी फैक्टर जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है वही पीवी फैक्टर मैंने यहाँ पर लिख लिया, जैसे 0.926, 0.857, 0.794 एंड 0.735, ये सारे जो भी आपके पीवी फैक्टर के 8% के अमाउंट थे वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं दोस्तों। अब चलिए एस्टिमेटेड मनी निकाल लीजिए। एस्टिमेटेड मनी कैसे निकालते हैं, कैश इनफ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी करेंगे तो एस्टिमेटेड मनी आपका मिल जाएगा दोस्तों। फर्स्ट ईयर का है 1,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करेंगे तो 87,500 आपका अमाउंट आ जाएगा दोस्तों। सेकेंड ईयर का 2,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 करेंगे तो 90,000 आपका अमाउंट आएगा दोस्तों। थर्ड ईयर का 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 करेंगे तो आपका आंसर 36,000 आएगा दोस्तों। उसके बाद फोर्थ ईयर का 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 करेंगे तो आपका आंसर 15,000 आएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा एस्टिमेटेड मनी मिल गया। अब हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या चाहिए, एस्टिमेटेड मनी मल्टीप्लाइड बाय पीवी फैक्टर जब आप करेंगे तो आपका प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। ये जो एस्टिमेटेड मनी आपने अभी निकाला कैश इनफ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी करके, तो एस्टिमेटेड मनी मल्टीप्लाइड बाय पीवी फैक्टर कर लीजिए। सो फर्स्ट है 87,500 मल्टीप्लाइड बाय 0.926 करेंगे तो आपका आंसर 81,025 आएगा दोस्तों। उसके बाद सेकेंड ईयर का 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.857 करेंगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 77,130। उसके बाद थर्ड ईयर का 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.794 करेंगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 28,584। उसके बाद फोर्थ ईयर का दोस्तों 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.735 करेंगे तो आपका आंसर 11,025 आपका आंसर आएगा दोस्तों। ये सारे होगा दोस्तों हमारे आंसर्स दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू के। अब क्या करना है, अब हमें टोटल करना है, ये जो चार अमाउंट्स है, चार अमाउंट्स है चार ईयर के, इन चारों को हमें टोटल करना है दोस्तों। सो टोटल कर लीजिए 81,025, 77,130, 28,584 एंड 11,025 करेंगे तो अपना आंसर निकलेगा दोस्तों 1,97,764। ये हमारा आंसर मिलेगा। ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ये हमारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू मिल गया दोस्तों। अब हमें इसमें से क्या करना है, अब हमें इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करना है। माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी आपने जब शुरू में पैसा लगाया था वो आपको यहाँ पर माइनस करना है दोस्तों। सो देख लीजिए आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा, आपके क्वेश्चन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है दोस्तों, इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी आपका 1,60,000 है, दोनों प्रोजेक्ट में आपका 1,60,000 है। सो यहाँ पर भी 1,60,000 माइनस कर लीजिए, माइनस 1,60,000। सो 1,97,764 में से 1,60,000 माइनस कर लीजिए तो आपका आंसर आएगा 37,764। ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका प्रोबेबिलिटी है। चलिए अब कंपैरिजन कर लीजिए, प्रोजेक्ट ए का आंसर मैंने यहाँ पर लिखा था, प्रोजेक्ट ए का माइनस में 32,881 आया, ये बी का प्रोजेक्ट बी का प्लस में 37,764 हमारा आंसर आया दोस्तों। यानी दोनों में से अच्छा प्रोजेक्ट है हमारा प्रोजेक्ट बी, सो एक कंपनी को प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट करना है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, एक मैं आपको हिंट दे देता हूं दोस्तों। ये तो हो गया हमारा दो प्रोजेक्ट के बीच में हमने कंपैरिजन कर लिया, जब सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट दे तो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के इंटरेस्ट दिए जाते हैं दोस्तों, वो जे जैसा हमने सेम फॉर्मेट डाला, सेम फॉर्मेट करके आपको एक प्रोजेक्ट जब आप क्वेश्चन दिया जाएगा तो एक प्रोजेक्ट का भी आप ऐसे ही करना दोस्तों। सो दोस्तों सिर्फ आपको अगर माइनस में आया तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना, अगर प्लस में आया तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों। सो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों।
सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, और जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको इसी तरह क्वेश्चन दूंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात, मैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी इस सब्जेक्ट की दोस्तों। और जो तीन टेक्निक्स हमने पिछली वीडियोस में की है उसके भी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।